बजे हैं 4 और हेमकुंड साहिब जाने वाले लोग जाने लग गए हैं। बड़े बुजुर्ग, छोटे बच्चे सब तैयार होकर टाइम से निकल चुके हैं ताकि वो समय से नीचे भी लौट सके। हमने भी सोचा था कि हम सुबह 4 बजे निकल जाएंगे, लेकिन क्योंकि रात भर बारिश थी तो हम मौसम के हिसाब से निकलने का हमने फैसला किया। सुबह के 5:45 हुए हैं और हम निकल रहे हैं अभी हेमकुंड साहिब की ओर। यहाँ से आपको घोड़े मिल जाएंगे ऊपर जाने के लिए और 3-4 किलोमीटर ये आपको लेकर जाते हैं। एक घोड़े का किराया है 1500 रुपये। बारिश की वजह से नीचे का रास्ता बहुत ख़राब था तो घांगरिया बेस कैंप से काफ़ी ऊपर हम आ चुके हैं इस वक्त। सुबह के बजे हैं 7:30 और हम नीचे बेस कैंप से करीब 4 किलोमीटर आ चुके हैं। बहुत ठंड है यहाँ, रास्ते में दिख रहा होगा कई लोग आ रहे हैं, बहुत भीड़ है। सुबह 3 बजे से लोग चलना शुरू कर देते हैं और ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। इस पहाड़ी के सामने जो पहाड़ी दिख रही है इसके उस तरफ फूलों की घाटी है। लोग वहाँ पहुँच चुके हैं, लोग बहुत ऊपर पहुँच चुके हैं। कितने बजे रास्ता लग गए होंगे। एक पुलिस ग्लेशियर के ऊपर बना हुआ है, ये देखिए खूबसूरत। लोग आ रहे हैं, इसके नीचे वाली पहाड़ी पूरा खड़ी चढ़ाई हम पार कर चुके हैं। हेमकुंड साहिब से करीब 1.5 किलोमीटर नीचे हैं अभी हम। दुकानें हैं यहाँ पर, चाय नाश्ता अगर आपको करना है। यहाँ पर पहुँच कर 2 रास्ते हैं, ये सीधे एक आपको सीढ़ियों से ऊपर ले जाएगा शॉर्टकट, ये शॉर्ट है और ये लॉन्ग रास्ता है जो जिगजैग मोशन में ऊपर कहीं मिलेगा। हमने डिसाइड किया है कि हम सीढ़ियों से जाएंगे, हालांकि लोग कह रहे हैं कि बहुत खड़ी चढ़ाई है पर देखते हैं, शॉर्टकट है इसलिए चुन लिया हमने रास्ता। सीने के रास्ते आने पे झरना थोड़ा नजदीक आ गया हमारे। पर सीढ़ियाँ बहुत ऊंची ऊंची हैं। धूप आ गई है, वहाँ धूप आ चुकी है, हमें धूप का इंतज़ार है क्योंकि ठंडा बहुत है, पूरा पैक रहना है हमको। उधर से आप देख सकते हैं बर्फ के नीचे से पानी जो है निकल रहा है, तो यहाँ खतरा ये भी रहता है कि ये बर्फ कभी भी पिघल सकती है। वो पैदल रास्ता है और हम सीढ़ियों से जा रहे हैं। हल्के हल्के बारिश के छींटे आ रहे हैं, धूप भी आ रही है, तो हमने रेनकोट पहन लिया अपना क्योंकि लाए हैं तो बेकार में धो रहे हैं उसको। लाठी लाना यहाँ बहुत ज़रूरी है। खड़ी चढ़ाई है, धीरे धीरे सब चल रहे हैं और ये बर्फ में उगता हुआ जीवन। जगह जगह पर फूल खिलने की कोशिश कर रहे हैं। से आपको दिखेगा लोग आ रहे हैं, बहुत ठंडा हो रहा है, आंखों में सीधी हवा जा रही है, तो यहाँ चश्मा बहुत ज़रूरी है और मास्क बहुत ज़रूरी है, ग्लव्स बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि ऊपर से बर्फीली हवा आ रही है और आंखों से आंसू आ जा रहे हैं। आ रहे हैं ना,
बहुत ठंडा है, बहुत ठंड है, पर हम जल्दी पहुँचेंगे। पूरे पैक है, टोपी है, बारिश के धूप आई है, बारिश के छींटे भी आ रहे हैं, धूप भी आई है ऊपर से। कभी भी आइए, पूरे पैक होके आइए। निशान साहिब है, उसके उस तरफ हमने जाना है। लोग चल रहे हैं, ये है पैदल रास्ता खड़ंजे वाला, और दूसरा रास्ता ये है सीढ़ियों वाला जिस पर हम आ रहे हैं। और वो नीचे जहाँ नदी दिख रही है वहाँ घंघरिया है, जहाँ से हमने ट्रैक शुरू किया था। और नीचे यदि आपको दिखे तो लोग बहुत नीचे हैं, जहाँ दुकानें दिख रही हैं, पूरी भीड़ है, अभी पूरा रास्ता भरा है, थक जा रहे हैं, बैठ जा रहे हैं। लगातार चलना संभव भी नहीं है इस रास्ते पर, हम अभी तक इस सीढ़ी में नहीं बैठे हैं, धीरे चल रहे हैं तो थकान कम लग रही है। केवल रेनकोट्स पहनने के लिए हम एक मिनट के लिए रुके थे। थोड़ा सा और जाना है, थक गए हैं? बहुत थक गए? आ जा थोड़ा ही, अब थक गई, कितना हैं? जो कहते हो अनीता मैम, क्या कहती हैं? नीचे देखो अभी भी उतनी भीड़ है, इस तरफ ऐसा लग रहा है लोग स्कीइंग करते हैं, इस तरफ वाली पहाड़ी में ऐसा लग रहा है ना। वो पैदल रास्ता भी बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, वापसी में उसी रास्ते आएंगे। खड़ी चढ़ाई, नीचे से कोहरा उठ रहा है, इस पहाड़ी के उस तरफ फूलों की घाटी, ठीक है, इस पहाड़ी के उस तरफ। नीचे निशान साहिब है, नीचे से ऐसा लग रहा था कि इसके बाद बस सीढ़ियाँ नहीं होंगी, थोड़ी सीढ़ियाँ और हैं, लोग आ रहे हैं और थक चुके हैं लोग, हम बस पहुंच चुके हैं। ये देखिए नंगे पैर एक बच्ची आई है इतनी ठंड में, और हम पहुंच गए, फाइनली हम पहुंच गए। कहाँ? ये लकड़ी का बना है, ये सारा लकड़ी का बना है, पिट्ठू में यहीं से शुरू हो जाते हैं, जो लोगों को यहीं तक पहुंचाते हैं, यहाँ खुद आना मुश्किल है। लोग कितना स्टैमिना इनमें होता होगा, सरोवर है ना वहाँ पे, लोग बहुत थक गए हैं, रेस्ट कर रहे हैं। हेमकुंड साहिब विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा है, जिसकी ऊंचाई 4,632 मीटर या 15,200 फुट है, और यह एक बर्फीली झील के किनारे 7 पहाड़ियों के बीच में स्थित है। इस वक्त बर्फ है, थोड़ा जमा हुआ है, धीरे धीरे जुलाई अगस्त के महीने में सारा पानी पिघल जाएगा, उसके बाद यह सरोवर बहुत सुंदर लगेगा। और उस तरफ जो बर्फ दिख रही है चारों तरफ, यहाँ ब्रह्म कमल खिलेगा पूरी घाटी में। लोग यहाँ नहाते हैं, ये सरोवर, यहाँ पर छोटा सा पुल है जिससे हम लोकपाल लक्ष्मण मंदिर तक जाएंगे। यहाँ पर भी लोग जो नहीं नहाते हैं वो लोग हाथ पैर धो लेते हैं, और यहाँ महिलाओं के स्नान के लिए रूम्स बने हैं।
और अब हम जा रहे हैं श्री लक्ष्मण, श्री लोकपाल लक्ष्मण मंदिर। मान्यताओं के अनुसार यहाँ शेषनाग ने तपस्या की थी, जिसके बाद उन्हें द्वापर युग में राजा दशरथ के घर लक्ष्मण के रूप में जन्म मिला था। एक अन्य मान्यता यह भी है कि लक्ष्मण ने मेघनाथ वध के बाद अपनी शक्ति वापस पाने के लिए यहाँ तप किया था। लक्ष्मण मंदिर में भ्यूंडार गांव के लोग पूजा पाठ करते हैं। श्री नारायण को देकर स्वयं केदारनाथ में चले गए भक्तों, तब से इस स्थान को आदि केदारेश्वर के नाम से जाना जाता है। हेमकुंड साहिब आने वाला प्रत्येक व्यक्ति लक्ष्मण मंदिर में भी मत्था जरूर टेकता है। ये दोनों मंदिर एक साथ खुलते और एक साथ बंद होते हैं। भ्यूंडार गांव के निवासी बताते हैं कि पहले लक्ष्मण मंदिर रक्षाबंधन के दिन खुलता था, लेकिन उसके बाद इसका समय हेमकुंड साहिब के साथ कर दिया गया। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत सुंदर। अनिता मैम, कैसा लग रहा है? जन्नत में आए, तो जन्नत कहते हैं, देखो कितना सुंदर लग रहा है। मतलब सच में जन्नत है ना? दौड़ की जाऊंगा, दौड़ो 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 एक बार, दौड़ की जाऊंगा आपका मन भी कर रहा है दौड़ने का, जाके लेटने का, हाथ पकड़ के ऊपर चढ़े, ऊपर चढ़े ना। इस सरोवर के जल को बहुत पवित्र माना जाता है और लोग इसे अपने घर ले जाते हैं। जैसे हम अपने घरों में गंगा जल रखते हैं, तो इस सरोवर के पानी को भी लोग घर ले जाते हैं। तो हमने भी भर लिया था एक बोतल में इस सरोवर का पवित्र पानी। पानी के अंदर भी बर्फ जमी है। हाँ, वो नीचे दिख रही है ना। हाँ, पानी के अंदर भी बर्फ जमी है, पूरा जमा। हाँ हाँ, आप दौड़ सकती हो, दौड़ो। मैं तो नहीं करना ट्राई। श्री लोकपाल लक्ष्मण मंदिर। हमने भी इस पवित्र जल के कुछ छींटे खुद में डाल ली और हो गया स्नान। लोग नहा रहे हैं इस पवित्र सरोवर के पानी में और उसके बाद वो बाबा जी के दर्शन करेंगे। लोग अभी भी आ रहे हैं, काफी भीड़ है यहाँ। बाबा जी का प्रसाद सभी को मिल रहा है। नंगे पैर हम चले वापस जहाँ हमने जूते उतारे थे। फिसलना नहीं है, फिसलना नहीं है, आराम से चल। वो ये वो गिरेंगे। हाँ, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। यहाँ भी बहुत भीड़ थी। हाँ, प्रसादी यहाँ मिल रहा था सबको। तो हमने सुना था कि खिचड़ी यहाँ मिलती है प्रसाद में। अपने लिए आपको बर्तन यहाँ से कलेक्ट करने होते हैं और अंदर प्रसाद लेने जाना होता है। आज के प्रसाद में यहाँ मिल रहा था दलिया, नमकीन दलिया और चाय। लगातार बड़े बर्तनों में यहाँ दलिया बन रहा था, चाय बन रही थी और जितने श्रद्धालु भक्त यहाँ आ रहे थे उन सभी को ये मिल रहा था। अब हम लौट रहे हैं यहाँ से। यहाँ आप देख सकते हैं कितने सारे बास्केट वाले बैठे हैं इस इंतज़ार में कि यहाँ से इनको कोई सवारी मिल जाएगी और जिनको ये लाए होंगे उनको ये वापस ले जाएंगे। डोली भी यहाँ पर रखी हुई है। हम वापसी की ओर हैं और अगर मौसम ठीक रहा तो हम घंगरिया से भी चेकआउट करके नीचे गोविंद घाट उतर जाएंगे। कभी अगर ज़िंदगी में यहाँ आने का मौका मिले तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय जून से सितंबर और मध्य अक्टूबर तक है। उसके बाद यहाँ बर्फ़ पड़ती है और जनवरी में यहाँ का तापमान -12 तक चले जाता है और 8 महीने तक ये जो गुरुद्वारा है बर्फ़ से पूरा ढका रहता है।
सबसे अच्छी बात यहाँ की ये है कि जो लोग चल नहीं पाते उनके लिए पूरी सुविधा है, डोली के थ्रू या बास्केट के थ्रू आप यहाँ आ सकते हैं। अभी बज रहे हैं 11:30 और हम धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं। वापस आने का मन ही नहीं कर रहा है। यहाँ ये जगह इतनी खूबसूरत है और इतनी शांति मिली यहाँ कि वापस आने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन हम दोबारा यहाँ ज़रूर आएंगे। शाम को यहाँ का मौसम ख़राब हो जाता है, इसलिए 12 बजे बाद नीचे से एंट्री नहीं मिलती। तो ये वो सीढ़ियों वाला रास्ता, ये ज़िगज़ैग। इस रास्ते के लिए लाठी की ज़रूरत है क्योंकि पैर फिसले। अरे इनको रास्ता दे दो यार। जिस रास्ते पर पैदल चलना इतना मुश्किल है, उस रास्ते पर पता नहीं है बास्केट वाले कैसे खुद को भी और बास्केट पर जो इंसान है उसको भी संभाल लेते हैं। ये रास्ता बहुत फिसलन वाला है। सीढ़ियों से ऊपर गए थे, कुछ कुछ लोग अभी भी चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादातर लोग उतर रहे हैं इसमें क्योंकि वापसी का टाइम है और ऊपर कोहरा लग रहा है। अन्नू गई, अन्नू लुढ़कना मत यार, मैं ही ना लुढ़कूं पीछे से। अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि नीचे पुष्पावती नदी दिख रही है जो काफी नीचे है। फिसलन बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ पर, गिरने का डर है। कुछ लोग यहाँ इस तरह डोली में भी आते हैं, डोली को 4 लोग मिलकर लेकर आते हैं। बर्फ तेजी से पिघल रही है, 8-10 दिन में बर्फ नहीं पड़ी तो सब साफ हो जाएगा रास्ता अच्छी तरह। अनु मैम एक बार यहाँ से जाओ तो सीधे आप नीचे पहुँचोगी ना, सीधे उसकी छत में, जहाँ जिस होटल में रुके है ना उसकी छत में पहुँचोगी। बैठने के लिए रखी हुई बेंच भी बर्फ से ढकी हुई है, लेकिन बर्फ बहुत तेजी से पिघल रही है। ये हम पहुंच गए उस जगह पर जहाँ से हम पहले सीढ़ियाँ चढ़े थे। एक खूबसूरत सी चिड़िया यहाँ पर दिखाई दी, किसी को अगर इसका नाम पता हो तो जरूर बताएं प्लीज। पूरा लग चुका है पूरा हेमकुंड साहिब में, लोग अभी भी कुछ जा रहे हैं कुछ आ रहे हैं। घर ले जाना इसको, इसको हम रखेंगे घर पर संभाल के, संभाल के हाँ, फ्रेम कर देना। फ्रेम है, अभी फ्रेम में कर देंगे थोड़ी देर में। अब यहाँ से घोड़े स्टार्ट, जो पैदल नहीं जा पा रहे नीचे, घुटने दर्द हैं, तबीयत ठीक नहीं है, वो घोड़े में जा सकते हैं। थोड़ा मोल भाव करना पड़ता है, ये 1-2 किलोमीटर ऊपर तक आए हैं ताकि कोई मोल भाव ना करे। ये आपको ऊपर 1200 रुपये बोलेंगे, नीचे आपको 400-500 में भी मिल जाएगा नीचे आपके, अगर आप नहीं चल पा रहे हैं तो। अगर आप चल पा रहे हैं तो प्रकृति का आनंद लीजिए और पैदल चलिए। काफ़ी नीचे आ चुके हैं हम, नीचे घांगरिया तो नहीं दिख रहा, घोड़े जहाँ पर से मिलते हैं वो जगह दिख रही है और ऊपर कोहरा लग चुका है पूरा। देखिए कितनी अच्छी तरह एक बेटा अपनी माँ को हाथ पकड़ के कितने आराम से नीचे को लेके जा रहा है और खूब गप्पे लगी हुई है दोनों जनों की। सुबह जाते वक्त इस रास्ते में बहुत कीचड़ था क्योंकि कल रात काफ़ी बारिश हुई थी,
और घोड़ों के पैरों से और उनकी लीद से रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था, और इस वक्त ये रास्ता साफ़ है क्योंकि यहाँ कई लोग हैं जो झाड़ू लगाते रहते हैं रास्ते में और रास्ते को साफ करते रहते हैं। रास्ता सूखा है और अभी तो लग ही नहीं रहा कि वही रास्ता है जिस पर हम सुबह चले थे। तो अब दिख रहा है यहाँ से घांगरिया हमारा बेस कैंप, शायद अभी 1 किलोमीटर और जाना होगा। ये पानी सीधे हेमकुंड साहिब से आ रहा है, ऊपर जो बर्फ पिघल रही है वहाँ से ये बर्फ पिघलने से पानी जो है नीचे आया। रोड़ा रोड़ा टूरिस्ट भी यहाँ पर रुके हैं और यहाँ से झरने की फोटो क्लिक कर रहे हैं। हम लगभग कांगरिया तक पहुँच चुके हैं। देखिए यहाँ पर कितना सुंदर एक झरना बना है। चार बजने वाले हैं, हमने होटल पहुंचकर खाना खाया, चेकआउट किया और अब हम जा रहे हैं हेलीपैड की ओर क्योंकि हमें गोविंद घाट जाना है और पैदल पहुंचने का टाइम हमारे पास नहीं है और थक भी बहुत चुके हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि हेलीकॉप्टर से जाया जाए। उसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, देखते हैं रजिस्ट्रेशन हो पाता है या नहीं, उम्मीद है हो जाएगा। India's last camp resort. अब हम हेलीपैड की ओर जाएंगे। ये रिजॉर्ट भी एक ऑप्शन है अगर आप आधा किलोमीटर ऊपर घांगरिया नहीं जाना चाहते हैं और नेचर को करीब से देखना चाहते हैं तो आप यहाँ भी रुक सकते हैं। रहने के काफ़ी होटल्स हैं घांगरिया में पर यहाँ आपको हर चीज़ महंगी मिलेगी क्योंकि गोविंद घाट से ये 14 किलोमीटर है और फुलना तक भी अगर सामान गाड़ी में आता है तो उसके बाद भी 9 किलोमीटर घोड़े इनको लाते हैं, तो जिससे हर चीज़ महंगी हो जाती है। तो जिल्लों का रजिस्ट्रेशन चॉपर के लिए हो चुका है। रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, नंबर आ भी सकता है नहीं, अगर मौसम ख़राब हुआ तो हो सकता है कि आप अगले दिन जाएं। यहाँ पर हो रहा है हेलीकॉप्टर के लिए रजिस्ट्रेशन, भीड़ लगी है 1 घंटे से हम भी बैठे हैं। रजिस्ट्रेशन तो हो चुका है पर मौसम ख़राब हो रहा है, पता नहीं नंबर आएगा या नहीं आएगा। देहरादून से भी घांगरिया के लिए हेलीकॉप्टर सुविधा है और देहरादून से आप यहां केवल 55 मिनट में हेलीकॉप्टर के थ्रू पहुंच सकते हैं। ये फ्लाइट नंबर 35 है, इसके बाद फ्लाइट नंबर 36 हमारी है। फाइनली हमारा टिकट कंफर्म हो गया और 1.5 घंटे के वेट के बाद अगली फ्लाइट हमारी है। और यह मोड़ चले हैं घांगरिया से गोविंद घाट की ओर। हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा, मौसम ने बहुत अच्छा साथ दिया और हमने फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब दोनों ट्रैक बहुत एंजॉय किए। नीचे
नीचे लक्ष्मण नदी और पुलिया वाला एरिया दिखाई दे रहा है जहाँ से आपने अपना पैदल ट्रैक स्टार्ट किया था। नीचे गोविंद घाट दिखना शुरू हो गया है। 5 घंटे का ये ट्रैक हेलीकॉप्टर में केवल 2-3 मिनट का ही होता है और ये लक्ष्मण नदी अलकनंदा नदी में मिल रही है। यहाँ पर कितना सुंदर नज़ारा है। और ये हम पहुँच चुके हैं गोविंद घाट। और हेलीकॉप्टर फिर से चले गया है फ्लाइट नंबर 37 को लेने। बाय।